जेन कहानी लेखक मनोज दास लेखाटी दैनिक धरित्री रे लेखकंकर केते दिगंत स्तंभ रे 20 अगस्त 1983 रे प्रकाशित। ध्यान शब्द चीन होई जापान रे जाई जेन रे परिणत हैला। जेन बुद्धवाद जेन बुद्धिजीवी अनुरागी आज पाश्चात्य जगत्रे कम नहांती। जेन रो शिक्षा को भित्ति करी प्रथमे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड ओ परे जापान रे प्रकाशित खंडीय कार्टून बही जेन कमिक्स सिंगापुर रो एक बौद्ध दुकानरु संग्रह करी देखुची। भारतर प्राचीन लोककथा सह जेन शिक्षार सामंजस्य केड़े निबिड़। बहिटीर चित्रशिल्पी जड़े महिला आईओना सालाजान। गुरु और शिष्य बाट चलुछंती। निर्जन नईकूल सुंदरी कन्याटीए ठिया होई से बड़ विव्रत दिशुची कारण नई केमिति पारिहेब से उपाय से पाऊना। गुरु झीटी को दुई हाथ में तोली नहीं नई आरपारी नहीं छाड़देले ओ पुणी ए कूल को फेरियासी गंतव्य पथरे चलीगले। राति रे चट्टी घरे गुरु शिष्य खाई बसी। शिष्य पचारिला गुरुदेव आमे सन्यासी माने नारी संसर्गरु दूरेई रहिबा कथाटी। गुरु कहिले सकाळे से नारीटी को मु नई सेपटे छाड़ी देई आसिली किंतु तू ताकु एपर्यंत बोही चली छुकी रे। जणे जुवक जाई जेन गुरुंक कबाटरे धक्का देला। कौन दरकार गुरु पचारिले। मु निर्वाण चाहे जुवक उत्तर देला। भाग कही गुरु धड़किना कबाट बंद करदेले। जुवक पुणी धक्का देला ओ गुरुंक प्रश्नरे एका उत्तर देला। गुरु पुणी कबाट बंद कले। तीन चारि थर पर जुवक गुरुंक प्रश्नर उत्तर रे कहिला मु आपणंक निर्देश मानि चलिबाकु चाहे। गुरु कबाट मेला करी कहिले तेबे भीतर को आस। खुशी होई जुवक भीतर को आसी गला। संगे संगे गुरु कहिले मो निर्देश हैला भाग। कबाट बंद हैला। जेन मठ मंदिर रे राति रे आस्रा पकाइबा कहले प्रथमे मठर कौनसी व्यक्ति को बुद्धंक विषय रे किछि ना किछि जुक्ति रे हराइबा आवश्यक। आशा प्रार्थी जणे भद्रलोक दिने मठरु हताश भावरे फेरी राति अधरे तांकर जणे बंधुंक घरे पहुंचि कहिले जुक्ति रे मठर प्रतिनिधि को परास्त करि न पारि ए जाय आसिली। कि धरणर जुक्ति होइथिला बोली बंधु कौतूहली होई प्रश्न करते भद्रलोक कहिले जुक्ति निरवरे हेब बोली प्रथमे मु गोटाए आंगुली देखाइले। तार अर्थ बुद्ध ही एकमात्र भरोसा। प्रतिनिधि दुईटी अंगुली देखाइले। तार अर्थ बुद्ध एवं तांकर शिष्य उभय आमर श्रद्धेय। मु सेठु तीन आंगुली देखाई एई संकेत देली जे बुद्ध धर्म एवं संघ ए तीन ही श्रद्धेय। सीए सेठु हात मुठा मोआडे हल्लाइले जहार अर्थ सबू से ही एक चेतनार अंतर्भुक्त। मु पराभव मानि चली आसली। बंधुंकर किंतु संदेह रहिगला। परदिन से मठ को जाई से प्रतिनिधि को भेटी ए प्रसंग उत्थापन करते प्रतिनिधि खप्पा होई कहिले से लोकटा को पाइले मु छेचिबी। कथा हैला प्रतिनिधि गोटाए आखि न थाए। से आश्रा प्रार्थी भद्रलोक गोटाए अंगुली देखाइबारु से बुझिले कि आगंतुक तांकर गोटाए बोली आखि थिबारु विद्रूप करुछंती। किंतु से नम्र भावरे दुईटी आंगुली देखाइले। तांक वक्तव्य आगंतुकर जोड़िए आखि थिबारु से खुशी। आगंतुक तापरे तीनोटी अंगुली देखाइबारु से बुझिले दुई जणंकर सर्वमोट मात्र तीनोटी आखि बोली आगंतुक बुझाउछंती। प्रतिनिधि सेठु रागी जाई हात मुठा तांक आड़े उद्यत करते से पलाई गले भयरे।
ଗଳ୍ପଟି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ନାଟକୀୟତାର ଏକ ଚମତ୍କାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଏକ ହିଁ ବିଷୟରେ କେଡ଼େ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମ୍ଭବପର, ମାନସିକ ଗଠନ, ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଭିନ୍ନତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି